संजय नगर रेलवे फाटक पर अंडर ब्रिज बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्माण कार्य की जद में आने वाले मकान मालिकों को नोटिस जारी कर प्रशासन ने जल्द से जल्द जमीन खाली करने को कहा है। हालांकि प्रभावितों को प्रशासन जो मुआवजा दे रहा है वह उन्हें रास नहीं आ रहा है। मंगलवार को एक परिवार कलेक्टर के पास पहुंचा और मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की मांग की। संजय नगर रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से आम जनता को मुक्ति दिलाने क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सर्वे का काम पूरा कर निर्माण कार्य के जद में आने वाले लोगों को नोटिस जारी कर मुआवजा संबंधी प्रक्रिया पूरा कर जमीन खाली करने को कह दिया गया है। हालांकि कई प्रभावितों को प्रशासन द्वारा दिया जा रहा मुआवजा राशि रास नहीं आ रहा है। मंगलवार को एक परिवार कलेक्टर के पास पहुंचा और कहा कि उन्हें केवल 70,000 रुपयों का मुआवजा दिया जा रहा है, जिससे कमरे का मकान भी नहीं बन सकता। ऐसे में वे कहां जाएंगे? और घर टूटा थे बाबू, अब मैं कहां लग रही हूं। मोला 70,000 पैसा दे थे तो ना तो मोरो में घर बने ना तो महारो माँ कैसे बनिहार करी हूँ, कैसे घर बनाओ, उतका कन में मोर का हो थी। अरे मैं अकेला इंसान बुजुर्ग हो गई हूँ, कमाई भी नहीं सकूँ है, और मैं कहाँ जाऊँ, अब मोर घर ला कौन बनाही, अरे अतका पैसा में मोर हो का ही। इसका घर टूट रहा है कि नहीं, मैं सुनी तो आई हूँ। मुआवजा देखी 70,000-71,000 से कुछ है ना, उसमें कहीं पर कुछ बनवाऊंगी भी ना, तो एक ईंटा मेरे खरीदने में भी कम से कम 10 रुपये एक ईंटा पड़ रहा है, एक कमरा भी बनवाने में मेरे को भी 1-1.5 लाख रुपए लगेगा है कि नहीं। तो मैं तो गरीबी गुजारा अपना कहीं भी कर रही हूँ, इसका क्या होगा वो बताइए शासन से है? शासन तो अपना जमवाड़ा कर लिया, लीक कर दे रही, कितना जमीन जाएगा, फलाना जाएगा, ठिकाना जाएगा है, तोड़ रहे सबका। तो जिसका आंगन जा रहा है उस पर 1.5-2 लाख दे रहा है, इस मुखिया का क्या करे बताइए, गरीब इंसान का अभी कहाँ जाके रहेगी। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रभावित परिवार ने मुआवजा की राशि बढ़ाने की मांग की है, ताकि वे उन पैसों से अपने लिए बेहतर मकान बना सके। ग्रैंड न्यूज के लिए रामेश्वर साहू की रिपोर्ट।